तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को ड्राफ्ट में सेव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को ड्राफ्ट में सेव करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने इंस्टाग्राम की ऐप को यहां से ओपन कर लीजिए। यहां से इसको ओपन करने के बाद सिंपली आप जो है ऐड स्टोरी के ऊपर यहां पे क्लिक करिए और यहां पे क्लिक करने के बाद मैं आपके सामने एक स्टोरी को यहां पे क्रिएट कर देता हूं, फिर उसी को आपको ड्राफ्ट में सेव करके दिखाऊंगा। मैं सिंपली आता हूं इंस्टाग्राम के ऊपर यहां पे और मैं जो है ये वाली स्टोरी को यहाँ पे मैं जो है क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टोरी को यहाँ पे क्रिएट कर लिया प्रॉपरली, अपने हिसाब से मैंने कम्प्लीटली यहाँ सेटअप कर लिया है। अब मुझे इस स्टोरी को ड्राफ्ट में सेव करना है, तो इस स्टोरी को ड्राफ्ट में सेव करने के लिए आपने क्या करना है, आप सिंपली यहाँ से ऐसे बैक दबाइए और फिर आपको देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर पे सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है और बस उसके बाद आपने सिंपली ओके बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है और बस फिर आपकी जो स्टोरी है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। और जैसे ही आप जो है यहाँ पे गैलरी के ऊपर क्लिक करोगे और आपको देखिए यहाँ पे ऊपर मतलब फर्स्ट नंबर पे ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपकी ड्राफ्ट स्टोरी शो भी हो जाएगी और आप यहाँ पे इसको क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो और फिर अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी को ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं। तो फिर बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।